हर हर गंगे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज देख सकते हैं आप 27 अगस्त के दिन किस तरीके से जो है आज हर की पैड़ी घाट पर जो है भीड़ है। और आज की अगर बात करें कि ऐसे में जो है आज रविवार है और ऐसे में जो है आज बहुत ज़्यादा संख्या में जो है श्रद्धालु जो है गंगा घाट पर आए हुए हैं। और यहाँ से जो है अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर भीड़ है बहुत ज़्यादा जो है। तो आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं सभी घाटों के और हर की पैड़ी पर चल के वहाँ पर देखते हैं कि कैसा आज दृश्य है और कितनी संख्या में जो है आज श्रद्धालु आए हुए हैं। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो शिव धनुष ब्रिज और यहाँ पर आप गंगा जी के दर्शन कर रहे होंगे। यहाँ पर तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर गंगा जी अभी जो है रेतीली आ रही हैं, क्योंकि ऐसे में जो है अभी बारिश का जब तक सीजन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ऐसे में जो है पहाड़ों में बारिश हो रही है। और वहाँ से जो है देख सकते हो आप जो है रेत की मात्रा जो है अभी इसमें जो है काफ़ी है। और अभी आप यहाँ पर इस तरह देखेंगे तो किनारे तक जो है पानी ऐसे में पहुँचा हुआ है। तो अभी हम यहाँ से दोस्तों घूमते हुए चलते हैं, यहाँ पर सभी घाटों के आपको दर्शन कराते हैं और फिर चलकर देखते हैं कि किस तरीके से जो है मेन घाट हर की पैड़ी पर जो है दृश्य है। तो दोस्तों अभी जो है हम भागीरथी ब्रिज के पास आए हैं और यहाँ से जो है अभी घाट शुरू होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहीं से जो है घाट पूरा भरा हुआ है आगे की तरफ जो है। और ऐसे में जो है शिव भक्त भी हैं, जो कांवड़िए हैं वो भी जो है काफ़ी संख्या में हैं, क्योंकि अभी 31 तारीख जो है पास आने वाली है और ऐसे में जो है 31 तारीख को जो है सावन ख़त्म हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो किस तरीके की जो है यहाँ पर भीड़ है। और यहाँ पर आज नाई घाट देख सकते हैं, यहाँ पर तो आज जो है काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इधर की तरफ में जो है यहाँ पर तमाम तरीके के पूजा पाठ और जो है कर्मकांड यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर सामने जो है शिव धनुष ब्रिज के पास जो ये घाट है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर कांवड़िए भी दिखाई दे रहे होंगे जो अभी यहाँ पर अपनी कांवड़ की जो है पूजा अर्चना जो है यहाँ पर कर रहे हैं और उसके बाद जो है ये अपने अपने स्थानों की ओर जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से। सो अभी आ चुके हैं दोस्तों हम घंटाघर घाट के पास। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो श्रद्धालु जो है कितने उत्साह में हैं और जो है यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको सामने जो है क्लॉक टावर दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ब्रह्मकुंड घाट है और साथ में जो है श्री गंगा माता मंदिर और यहाँ पर आपको श्री शंकराचार्य मंदिर और नवग्रह देवी देवताओं के मंदिर हैं। और नीचे यहाँ पर श्रद्धालु जो है अपने पूजा पाठ वगैरह करा रहे हैं। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जल की अगर बात करें तो जल ऐसे में जो है अभी कम है, जैसे कि यहाँ पर अभी श्रद्धालु देख सकते हैं आप खड़े हैं यहाँ पर गंगा जी में। तो ऐसे में ये सुरक्षा दृष्टि से भी थोड़ा जो है जल कम रखा जाता है जब यहाँ पर भीड़ बढ़ती है ऐसे में, ताकि कोई किसी प्रकार की जो है दुर्घटना वगैरह ना हो या कोई ऐसे ना भय। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो किस तरह से जो है श्रद्धालु तैर रहे हैं, हालांकि जल देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है इनके श्रद्धालुओं के जो है घुटने तक है, मतलब कि ऐसे अभी तक कमर तक भी ऐसे जल नहीं है, लेकिन देख सकते हैं बहाव तो है इसमें अभी। और सामने आप देखेंगे तो आज पूरा घाट यहाँ पर भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर श्रद्धालु आज आए हुए हैं और पूरा जो है घाट पर जो है कहीं भी अगर ऐसे में कदम रखने की जगह नहीं है। यात्रियों से प्रार्थना है कि शिव की पवित्रता को बनाए रखने में तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रह्मकुंड घाट के पास श्रद्धालु जो है यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। और आज जो है काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर भीड़ है और यहाँ पर अभी आपको घंटाघर दिखाई दिया जाएगा। और सामने जो है दोस्तों ब्रह्मकुंड घाट है जहाँ पर गंगा आरती होती है सुबह की और शाम की जो है यहीं सामने गंगा आरती होती है। और ऐसे में आप ये अभी देख सकते हो आप संडे के दिन जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज 27 अगस्त के आप जो है ताज़ा हाल यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं हरिद्वार में हर की पैड़ी के। और देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी गंगा जल जो है कम किया हुआ है यहाँ पर, तो ऐसे में जो है श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जो है किया गया है ताकि जो है कोई किसी तरीके का जो है कोई यहाँ पर बहे नहीं। और यहाँ पर आप सामने जो है देख सकते हैं आपको यहाँ पर किस तरीके का दृश्य है। तो अभी और यहाँ पर अभी आप गंगा जी की मुख्य जलधारा को देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी आपको ऐसे पिलर दिखाई दिए जाएंगे जो दोस्तों कुंभ में जो है यूज़ किए जाते हैं ऐसे जो है टेम्परेरी पुल बनाने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर अभी धनुष ब्रिज देख रहे हैं इसी तरीके के जो ब्रिज यहाँ पर ऐसे बना दिए जाते हैं टेम्परेरी में, ताकि जो है ज़्यादा भीड़ होने पर जो है श्रद्धालु यहाँ से आ जा सकें आसानी से। तो दोस्तों
का भी यहाँ पर सामने आप ब्रह्मकुंड घाट के पास देख सकते हैं किस तरीके से जो है श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं यहाँ पर, और ऐसे में जो है दीप भी जला रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है भारी भीड़ है ऐसे में। तो यहाँ पर अभी आप श्री गंगा माता का मंदिर देख रहे हैं और सामने जो है महिला घाट है, और ऐसे में जो है श्रद्धालु देख सकते हो आप, कोई भी घाट ऐसा नहीं है जहाँ पर श्रद्धालुओं की कमी हो। ऐसे में सारे घाट जो है आज के दिन भरे हुए हैं यहाँ पर, अभी आप देख सकते हैं क्लॉक टावर से। और अभी हम दोस्तों यहाँ से जाते हैं पतंजलि दीप पार्किंग के पुल के पास, तो वहाँ से भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के दृश्य हैं। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो घाट के इधर अंदर की तरफ, तो यहाँ पर जो है आपको चारों तरफ श्रद्धालु दिखाई देंगे। तो दोस्तों अभी आप यहां पर देख सकते हैं श्रद्धालु की जो है आज जब भीड़ उमड़ी है तो इस चैन का जो है दोबारा श्रद्धालुओं ने जो है लाभ लेना शुरू कर दिया है। और यहां पर अभी आप देख सकते हैं कोई इसको झूला बनाकर यूज कर रहा है और कोई जो है यहां पर इसको तैरने के लिए जो है यूज कर रहा है। हालांकि जो है ये बनाया इसलिए गया था ताकि जो है कभी कोई अगर उधर से बहता हुआ आए तो इस चैन को जो है पकड़ के आराम से बाहर आ सके, लेकिन अभी आप देख सकते हो ऐसे में अभी क्या यूज हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम श्री गंगा माता मंदिर के पास ब्रिज के पास खड़े हैं, और यहाँ से अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का जो है दृश्य है, पूरा घाट जो है यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो चाहे वो घंटाघर घाट हो चाहे ब्रह्मकुंड घाट हो, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं श्रद्धालु किस तरीके से गंगा स्नान का जो है आनंद ले रहे हैं, और ऐसे में बहाव कितना तेज है अभी आप देख सकते हो, इनकी जो है चैन जब छूट जाती है तो देख सकते हो आप इस तरीके से जो है ये तैर करके आगे निकल जाते हैं और वहाँ से जो है किनारे पर आ जाते हैं। हालांकि ये जो चैन बनाई गई थी ये दूसरे पर्पज से बनाई गई थी सेफ्टी पर्पज से, लेकिन अभी जो है इसका यूज जो है इस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दृश्य है, आज रविवार के दिन जो है काफ़ी भीड़ है, और आज ऐसे में आप देख रहे हैं 27 अगस्त का दिन, और ऐसे में कांवड़ यात्रा भी जो शिव भक्त हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी भी संख्या जो है आज जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो है 31 अगस्त जो है पास आने वाला है और जो है 31 अगस्त को जो है सावन जो है ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे में जो शिव भक्त भी जो है काफ़ी संख्या में आज पहुंचे हुए हैं जल उठाने के लिए। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं पतंजलि ब्रिज के पास अभी हम खड़े हैं यहाँ पर। सो दोस्तों अगर आप हरकी पैड़ी के मुख्य बाजार से आते हैं या जो है आप भीमगोड़ा की तरफ से आते हैं तो आपको यहाँ पर जो है रास्ता दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से जो है आप सीधे हरकी पैड़ी घाट पर जो है एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ से जो है आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर ब्रह्मकुंड घाट जो है यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, और यहाँ से जो है आप आसानी से ब्रह्मकुंड घाट पर जो है जा सकते हैं। तो अभी यहाँ से आपको हम दिखाते हैं कि थोड़ा सा ऊंचाई पर आने पर जो है किस तरीके का जो है यहाँ पर अभी दृश्य है, और यहाँ से भी आप देख सकते हो हरकी पैड़ी घाट जो है आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ऐसे घंटाघर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं से जो है पूरा भरा हुआ है। और दोस्तों मौसम की अगर बात करें तो अभी मौसम में जो है काफ़ी जो है तीखी धूप हो रखी है, एकदम तेज़ धूप है, और हालांकि जो है उमस भी है बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी जो है काफ़ी बढ़ी हुई है, और अभी आप देख सकते हो बारिश होने की भी संभावना है, क्योंकि ऊपर जो अगर अब बादल की तरफ हम देखेंगे तो जो है काफ़ी जो है धुंध है ऊपर की तरफ में, और ऐसे मौसम जो है चेंज होता रह रहा है, कभी जो है बादल आ जाते हैं और धूप जो है यहाँ से हट जाती है, तो ऐसे में बारिश होने की भी जो है संभावना है। और अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का दृश्य है। और दोस्तों अभी अगर बात करें आगे की तरफ यात्रा करने के लिए तो अभी आप जो है थोड़ा सा रुक जाएंगे, क्योंकि जो है अभी बरसात जब ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से, जो बरसात का ये महीना है ये चला जाएगा, तो उसके बाद जो है पहाड़ों में आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए जो है काफ़ी सेफ रहेगा, क्योंकि अभी भी जो है पहाड़ों में काफ़ी जगह जो है वहाँ पर रास्ते जो है वहाँ पर टूटे हुए हैं, तो इसलिए जो है अभी बरसात के मौसम में पहाड़ों की यात्रा ना करें। तो ये तो दोस्तों आज 27 अगस्त का जो है आपने दृश्य देखा हरकी पैड़ी हरिद्वार घाट का। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव।